हाय गाइस, वेलकम बैक टू GSVD रॉक्स। और आज हम बनाने वाले हैं समर के लिए कुछ ज़्यादा टेस्टी है, इंस्टेंट कूलिंग देने वाला हो और उसके ऊपर हेल्दी भी है। तो फिर आज हम बनाने वाले हैं वाटरमेलन कूलर्स। ये बहुत ही टेस्टी होता है गाइस। तो फिर चलिए बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो शुरू करते हैं। तो फिर पहले वाटरमेलन को ऐसे लंबे लंबे स्लाइसेस में कट कर लेंगे, उसमें बीज होंगे तो चलेगा। और फिर नेक्स्ट ऐसे छोटे छोटे क्यूब्स में हमको वाटरमेलन को कट करना है, पर उसमें बीज बिल्कुल भी नहीं होने चाहिए। फिर वो पीसेस को हमारे जूसर में डाल देंगे। और यहाँ पे हम लोग यूज़ कर रहे हैं कोल्ड प्रेस जूसर। अगर आपके पास ये वाला जूसर नहीं है या फिर कोई भी जूस बनाने वाला मशीन नहीं है तो आप मिक्सर जार में इसको पीस सकते हैं। फिर एक कप ताज़े पुदीने के पत्ते डाल देंगे। फिर हम सारे मसाले डाल देंगे और मसालों की लिस्ट स्क्रीन पे है। फिर हम ग्लासेस में 3 से 4 आइस क्यूब्स डाल देंगे और फिर हमारा जूस उसमें पोर कर देंगे। फिर जो सीडलेस वाटरमेलन के पीसेस थे हम उसमें डाल देंगे, इससे अच्छा टेस्ट आता है। चाहिए तो वो वाटरमेलन के पीसेस के साथ आप डेकोरेट भी कर सकते हैं। और हमारा ठंडा ठंडा वाटरमेलन कूलर्स रेडी है। आप इसको फ्रिज में 2 से 3 घंटे तक स्टोर कर सकते हैं। चीयर्स, ठंडा ठंडा पी लीजिए। और सच में गाइस ये बहुत ही टेस्टी बना है। आप भी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा, अपने आप को इस समर हाइड्रेटेड रखिएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक शेयर और अपने रिव्यूज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर दीजिए और उसके साइड वाले बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि आपको हमारी सारी नोटिफिकेशंस मिलती रहे।